इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से दिखाता है कॉन्टैक्ट आप डिलीट करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कैन नॉट डिलीटेड, और यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन आता है, तो मतलब आपको डिलीट नहीं हो पाते आपके कॉन्टैक्ट। तो आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले सिंपल सा ही ऑप्शन बता देता हूँ, आप जो है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। आप जैसे प्ले स्टोर में जाएंगे एंड कॉन्टैक्ट्स को सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करके ओपन करके व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले जब आप किसी कॉन्टैक्ट को डिलीट करते हो, पहले कॉन्टैक्ट मैनेजर में जाइएगा। एंड कॉन्टैक्ट मैनेजर में जाने के बाद आप जो है किसी एक कॉन्टैक्ट को यहाँ पर खोल लीजिएगा, चाहे कोई सा भी हो उसमें आप उसे खोल लीजिएगा। एंड यहाँ पर तीन लाइनों पर जाइएगा, एंड यहाँ पर अगर लिंकड कॉन्टैक्ट हो, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ, जैसे ये लिंकड कॉन्टैक्ट है तो इसे पहले अनलिंक आप कर लीजिए, ठीक है। अनलिंक जब आप करेंगे तो इसके मल्टीपल्स बन जाएंगे, ये व्हाट्सएप पर तो नहीं है बट आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिएगा। देन अपने जो है फ़ोन की सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पर ऐप्स में जाइएगा, मैनेज ऐप्स में जाइएगा और कॉन्टैक्ट को यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, मतलब कि कॉन्टैक्ट को यहाँ से डेटा क्लियर कर दीजिएगा। जैसे आप डेटा क्लियर करेंगे तो आपकी जो यहाँ से प्रॉब्लम फिर सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।